वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मॉर्निंग में ही काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए थे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के कि सर क्या अब हमें ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, क्या होगा हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स के साथ, और किस तरह का नया रूल आया है इंट्राडे मार्जिन के ऊपर और लेवरेज के ऊपर, तो क्या होने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर और सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएँ, क्योंकि एक एक करके सबको मैसेजेस पे रिप्लाई करना तो इट्स नॉट इजी फॉर मी। तो इससे अच्छा ये है कि एक वीडियो बना दी जाए डेप्थ इन्फॉर्मेशन के साथ और आपको उसी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सेबी का जो नया रूल आया है, तो आप ये सारे जो रूल्स हैं, कभी भी कोई आता है तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, देखिए सबका काम होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना राइट, क्योंकि जितने भी न्यूज़ एजेंसीज हैं या कुछ भी लगा लीजिए, आप यूट्यूब चैनल्स लगा लीजिए, तो अगर वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे राइट, या नहीं कंटेंट लिखेंगे, तो कोई भी उनके कंटेंट को नहीं देखेगा। तो ये सब चलता ही है कि लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बाकी कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब अगर आपके पास आती है तो आप डायरेक्ट जो है वो सेबी की वेबसाइट पर जाके जो रेगुलेशंस आते हैं, जो गाइडलाइंस आती है, जो नए रूल्स आते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको ईज़िली जो है ना, यहाँ पर आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन से रूल्स आए हैं, क्या नहीं आए। तो सेबी की वेबसाइट पे सारे जो जो भी आपके नए रेगुलेशंस आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप ईज़िली जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पर आराम से कि किस डेट को कौन सा आया था, किस डेट को नहीं आया था, कौन सी गाइडलाइंस जो है वो देखिए आई है, किस पे आई है, तो वो सब आपको इसी पे यहाँ पे जो है पता चल जाएगा। तो देखिए, अब मैंने सारा सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद मैंने काफ़ी सारे नोट्स पढ़े यहाँ पर इनके जो लेवरेज के ऊपर आए थे, जो इंट्राडे के ऊपर आए हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किया क्या है। देखिए, इन्होंने किया ये है कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, इससे आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की आपको नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है आपको? इसलिए नीड नहीं है क्योंकि ये सेबी का जो रेगुलेशन जो अभी आया है, सर्कुलर जो आया है, जिसके ऊपर आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब हम ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी क्या, सर देखिए ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए देखा जाए तो नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो सेबी ने ये नया रूल निकाला है, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ रूल निकाला है। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे चैनल पर तो ऑलरेडी, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी ये वीडियो डाली थी मैंने कि जो ये मार्जिन और जो लेवरेज ये जो कंपनीज़ आपको देती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ के चलिए कि आपका पैसा लूटने के लिए देती है और ये कुछ भी नहीं है राइट। जब अब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, जब बहुत पहले की अगर हम बात करें, ज़्यादा पहले की नहीं, आप अगर 10 साल पहले की भी बात करें, तो आप देखेंगे कि इतने ऑर्डर टाइप्स भी नहीं थे, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे ब्रैकेट ऑर्डर, ये इस तरह के इस मतलब है ना, ये सब मतलब मार्केट के अंदर जैसे जैसे कंपनीज़ ने ग्रोथ किया है, जो ब्रोकरेज कंपनीज़ ने ग्रोथ किया है, तो नए नए एडवांटेजेस लेके आई है, नए नए तरीके लेके आई है राइट। और इससे हुआ ये है कि अगर आप देखेंगे तो पहले मार्केट इतनी वोलेटाइल नहीं थी, पहले मार्केट ऐसा नहीं था कि अभी एक कैंडल इतना ऊपर जा रही है, एक कैंडल बिल्कुल नीचे आ रही है, और इस तरह का इतना वोलेटाइल मार्केट नहीं था। पहले के लोगों ने इतना पैसा क्यों कमा लिया? जो मार्केट शेयर मार्केट में बहुत पहले थे, उन्होंने इसीलिए कमाया क्योंकि जिनको बेसिक नॉलेज थी, मतलब जितना नॉलेज आज आपको और मुझे है, अगर उतनी नॉलेज हमें, मतलब अगर हम बहुत पहले ही, यानी कि अगर हम मान लीजिए मार्केट में अगर हम बहुत पहले होते राइट, तब तो हम बच्चे थे, मगर अगर हम पहले होते तो हम बहुत करोड़ों रुपये, अरबों रुपये हम वहाँ से बना सकते थे। इतनी नॉलेज किसी को होती ही नहीं थी जितनी आज हमें है। मगर दिक्कत क्या है, जैसे जैसे एडवांस चीज़ें बनी है, टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ किया है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं कि आप अपने आप ही जो आपका टारगेट बुक कर सकते हैं, अपने आप ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा राइट। अलग अलग तरह के ऑर्डर टाइप्स बन गए हैं। तो इससे हुआ यह है कि क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही ये यूज़ कर रहे हैं, सभी ये यूज़ कर रहे हैं, तो इससे होता यही है कि देखिए मार्केट में शेयर था 4000 रुपये पे, आपने एक ब्रैकेट ऑर्डर लगाया कि 4020 के ऊपर जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ठीक है। तो क्या था, अब क्या होता है, मार्केट झटके से क्यों गिर जाती है? प्राइस वहाँ पर जाता है क्योंकि आप जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट ऑर्डर, और उसी सेम जो है प्राइस के ऊपर उन्होंने भी डाला होगा, क्योंकि आप तो देखते ही है ना मार्केट की डेप्थ को, कि सेम प्राइस के ऊपर 500 ऑर्डर डले हुए हैं, 1000 ऑर्डर डले हुए हैं, 200 ऑर्डर डले हुए हैं। तो जैसी प्राइस 2020 पे जाएगा तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेल होता है, और ऑटोमेटिकली जब सेल हो गए, इतने सारे क्वांटिटी एकदम से सेल होगी, तो क्या होगा, प्राइस धड़ से नीचे आएगा। उसी को हम बोलते हैं कि अरे यार अभी तो एकदम से ऊपर था और नीचे आ गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया।
क्योंकि उस वैल्यू के ऊपर भी तो लोग खरीदने वाले तो होंगे ही ना। तो एक्चुअल में ये वोलेटाइल मार्केट ना बहुत ज़्यादा हो गई है इन चक्करों में। और देखिए, पहले के लोग इतना पैसा मार्केट में नहीं गंवाते थे जितना आज हमारे जैसे लोग आते हैं मार्केट के अंदर, एक एक दो दो पाँच पाँच लाख रुपये लेके, और पता चलता है एक महीने के अंदर वो पैसा साफ हो गया। तो क्या है कि धीरे धीरे सेबी ना इन चीज़ों को समझ रही है। तो उसने क्या किया है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक शोरूम में गए और शोरूम वाले से आपने कहा कि भाई मुझे एक कार रेंट पे चाहिए, राइट? तो उसने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो आपने क्या किया, आपके पास था पैसा कितना, 5,000 रुपये पैसे थे। अब आपने क्या किया, 5,000 रुपये आपके पास था, तो अगर उसके पास सारी कार्स थी, राइट, तो उसने आपको रिकमेंड किया कि देखिए सबसे सेफ़ तो है कि आप मारुति 800 जो है ले जाइए, रफ़ एंड टफ़ गाड़ी है, इतने पैसे में ही, जितनी जितने जितने आप 5,000 रुपये दे रहे हैं इतनी ही इसकी कॉस्टिंग है ना, तो आप इसको जो है ना ले जाइए और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें अंदर। और अगर मान लीजिए कुछ कहीं आपका आप एक्सीडेंट कर देते हैं, कहीं कुछ टूट जाता है, कोई स्क्रैच मार देता है, तो भी कोई इतना फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। और जितने पैसों में आप, मतलब ये जितना पैसा आपके पास है उतने में तो पूरी गाड़ी ही, उतने की तो पूरी गाड़ी ही है, राइट? पर आपने क्या सोचा, नहीं मैं क्या करूँगा, ऐसे तो लोग मतलब मुझे देखेंगे ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं BMW लेके जाता हूँ, राइट? आप BMW की कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल BMW की कॉस्ट है 10,00,000 रुपये, आपके पास कितना है, 5,000 रुपये। आपने क्या कहा, नहीं भाई BMW लेके जाऊँगा, सब बोलेंगे वाह वाह BMW में आया बंदा, और मेरा नाम होगा, मेरा फेम होगा, है ना, मेरा स्वैग बनेगा जो भी, ठीक है। उससे क्या है कि आपने क्या किया, उसको 5,000 रुपये दिए और BMW रेंट पे आप ले गए, ठीक है। अब BMW आप रेंट पे ले गए, तो आप सोच के देखिए कि आप एक 10,00,000 रुपये की गाड़ी को 5,000 रुपये में लेके जा रहे हैं, वो भी रेंट पे। अब उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, अगर उसके ऊपर कोई डेंट आ जाता है तो उसके डेंट के जो पैसे हैं वो उसी हिसाब से होंगे जिस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है। मान लीजिए आप उसको कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं तो उसके पार्ट्स भी उतने ही महंगे आएंगे जिस हिसाब से वो उसकी कॉस्टिंग है। तो यही एक्चुअल में सेबी बताना चाहता था कि देखिए आपको कंपनियां लेवरेज दे रही हैं, ठीक है। देखिए कंपनी का कुछ नहीं, कंपनी के पास तो फंडिंग है, कंपनी के पास पैसा है। वो आपने फॉर एन एग्जाम्पल एक निफ्टी का लोट आपको ख़रीदना है, तो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, आस्था जैसे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, एलिस ब्लू जैसे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, सॉरी ब्रोकरेज फर्म्स क्या कर रही हैं, वो आपको 9,00,000 रुपये की चीज़ कितने में दे रहे हैं, 5,000 रुपये में, 7,000 रुपये में, 2,000 रुपये में आपको दे रहे हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो पता ही है कि मैं इस बंदे को 9,00,000 रुपये की चीज़ 5,000 में दे रही हूँ, मगर इसने मान लीजिए ट्रेड की, तो अगर इसके अकाउंट में मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो वो जब तक ही आपको ट्रेडिंग करने देगा जब तक कि 10,000 रुपये का आपको लॉस होता है। जैसे ही 10,000 रुपये का लॉस आपका क्रॉस करता है, उसके आसपास भी आता है, तो आपको तुरंत मैसेज या ईमेल भेजना चालू कर देगा कि भाई मैं तुम्हारी पोजीशन जो है वो स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा और जो है इसके अंदर फंड ऐड कीजिए, राइट? देखिए इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि कंपनियां आपको लेवरेज देती हैं। ये लेवरेज उनके लिए तो ठीक है जो ट्रेडिंग की आर्ट सीख गए हैं, ट्रेडिंग की कला सीख गए हैं, जिनको पता है कि हाउ टू बुक प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट, तो उनके लिए तो अच्छा है कि उनको तो पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा और जो है लेवरेज में भी मिल गया और वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। मगर आप सोच के देखिए उन लोगों के लिए जिनको भी ट्रेडिंग आती ही नहीं है, और जिनको ट्रेडिंग आती नहीं है, जिनके अंदर स्किल्स नहीं है, जिनको पता नहीं है किस तरीके से पैसा कमाना है, वो 1,00,000 रुपये मार्केट में लेके आते हैं और 1,00,000 रुपये में क्या करते हैं, और लेवरेज के चक्कर में इतने सारे लॉट्स बाय कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर लॉस होगा तब भी तो उन्हीं लॉट साइज़ के हिसाब से लॉस होगा। बस हर बंदा प्रॉफिट की तरफ सोचता है कि प्रॉफिट होगा, लॉस की तरफ कोई नहीं सोचता, राइट? देखिए सेबी तो बना ही इसीलिए था कि एक्सचेंज बोर्ड बना ही इसीलिए था कि वो हमारा ध्यान रखेगा जो हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर जो कंपनीज हमें उस तरह के वादे करके हमें मतलब लूटा जा रहा है, तो वो सब वो रेगुलेशन के साथ ही वो ख़त्म कर सकता है। तो उसने ये किया है कि भाई अब जो है आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, जो कैश का जो धंधा है जिसको आप बोल सकते हैं कैश का, जैसे कैश में जितने भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स होते हैं, और जो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं कैश और कैश के फ्यूचर एंड ऑप्शंस, राइट, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, कैश एंड कैश के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, फॉर एन एग्जांपल ICICI बैंक कैश में भी है और ICICI बैंक का जो है
फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी है, राइट? तो ऐसे कैश के सेगमेंट जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी हैं उन सभी के ऊपर, और जो कैश के यू नो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उन सभी के ऊपर अब लेवरेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या होता था, आपको अगर आप कैश के अंदर अगर आप किसी स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता था, जितने का उसका प्राइस है उसी हिसाब से आपको जो है शेयर खरीदने पड़ते थे। यानी कि अगर 100 रुपये का प्राइस है शेयर का तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, और अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो 10 स्टॉक उसमें आपके शेयर्स उसमें आ जाएंगे। कुछ कंपनियों ने ये स्टार्ट किया था कि आपको वो स्टॉक की डिलीवरी के ऊपर भी, यानी कि कैश सेगमेंट के ऊपर भी वो आपको 3 गुना लेवरेज देना उन्होंने चालू जो है वो कर दिया था, राइट? अच्छा, इसके बाद क्या था, अब उन्हीं कैश के जो स्टॉक्स थे उन्हीं का जो फ्यूचर्स होता था, फ्यूचर्स में आपको और भी ज़्यादा लेवरेज मिलता था। वो क्या करते थे कि उसका एक पूरा का पूरा बंडल बना देते थे कि ये 20,000 स्टॉक्स का बंडल है, ये 2,000 स्टॉक्स का बंडल है, ये आपको इतने में पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट ये मिलता था कि अगर आप इक्विटी के स्टॉक्स खरीदते हो तो, यानी कि अगर आप मान लीजिए 20,000 के इक्विटी के स्टॉक्स खरीदते हो और 20,000 रुपये के अंदर 20,000 ही मान लीजिए स्टॉक आ रहे हैं, तो अगर आप उसको उसी को फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो फ्यूचर्स में आपको ये बेनिफिट मिलता था कि वो आपके 20,000 की जगह 30,000 स्टॉक्स होंगे, यानी कि उसमें आपको एक्स्ट्रा स्टॉक्स मिल जाते थे ऑन अ सेम प्राइस। मगर कहीं ना कहीं आप देखिए, ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही हैं हमारे बेनिफिट के लिए नहीं दी जा रही, ये हमें हमारा लालच बढ़ाने के लिए दी जा रही है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मगर बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, क्योंकि आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट में 90% to 95% जो लोग हैं वो पैसा गंवाते हैं। तो बेनिफिट कैसे हुआ, यानी कि वो हमें और लालच दे रहे हैं कि आओ ये चीज़ लो और पैसा गंवाओ। क्योंकि डिलीवरी के अंदर समझिए आप, कैश के धंधे में क्या होता है, आपने स्टॉक खरीदा, वो नीचे गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आपने छोड़ दिया, आपने कहा छोड़ो यार, मैं जो है इसको छोड़ देता हूँ, अब मैं और नहीं कर रहा हूँ, 1 साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद तो बढ़ेगा, तब मैं इसको बेच दूंगा, राइट? वो हुआ सेफ ट्रेडिंग। मगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या था, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपने आज एक स्टॉक लिया, आपको पता है कि एक्सपायरी मेरी नियर आने वाली है, मेरी एक्सपायरी आने वाली है, अगर मैंने इसको नहीं बेचा तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा और मुझे लॉस तो लेना ही पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए क्या था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी अगर आप इंट्राडे में लेते थे तो आपको और ज़्यादा लेवरेज मिल जाता था। तो क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है, स्पेशली जो नए बंदे आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए तो उनका तो पूरा पैसा ही एकदम से चला जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे वो यही बोलेगा, मैंने इतने लोट खरीदे, मेरा तो सारा पैसा ही चला गया। तो हुआ ये है कि इन्होंने ये कहा कि भाई 9 लाख रुपये का फॉर एन एग्जाम्पल एक निफ्टी का लोट आता है और मार्केट में लोग उसको 5,000 में दे रहे हैं, 2,000 में दे रहे हैं, 7,000 में दे रहे हैं, तो कितना हाई रिस्क है, कितना ज़्यादा हाई रिस्क है, राइट? तो अगर किसी के पास 9 लाख रुपये होंगे तो ही वो निफ्टी का स्टॉक खरीदेगा, राइट? और जिसके पास 9 लाख रुपए होंगे सर, तो उसके पास पैसे की तो कमी होगी नहीं, यानी कि 1-2 लाख रुपए तो और होंगे। तो 9 लाख रुपए में खरीदने वाले बंदे के पास उसको, और वैसे भी उसको नीड ही नहीं है ना, 9 लाख रुपए उसने खरीदा है तो वो एक ही लोट खरीदेगा। आप इस चीज़ को समझिए, मैं आप लोगों को हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि एक ही लोट से कीजिए, एक लोट बहुत होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सर, एक लोट मर जाओगे अगर 2 लोट 5 लोट 7 लोट करोगे तो, क्योंकि हमेशा मार्केट आपकी सगी नहीं होती, जिस दिन वो आपके अगेंस्ट गई तो खा जाएगी पूरा आपको। देखिए, एक लोट से मान लीजिए आप निफ्टी का करते हैं तो आपको उसी हिसाब से एक लोट के हिसाब से भी प्रॉफिट होगा, एक ही लोट के साथ लॉस होगा। तो 9 लाख रुपए अगर आपके पास है, अगर आपको दिन के अंदर 2,000-3,000 का प्रॉफिट हो रहा है और या 2,000-3,000 का लॉस हो रहा है, तो यू कैन ईजी टू अफोर्ड ना। 9 लाख रुपए वाला बंदा 2-3 हज़ार रुपये डेली का अफोर्ड कर सकता है। अगर पूरा महीना 20 दिन लगातार भी अगर उसको लॉस होता है 3,000 रुपये का डेली, तो कितना हुआ, 3 × 6, यानी कि 60,000 रुपीज़ का ही उसको लॉस हुआ। और वैसे नॉर्मली क्या हो रहा था डेली, आपको 10,000, 20,000, 25,000 रुपये का लॉस हो रहा था। निफ्टी के अंदर तो एकदम से मार्केट नीचे जाती है ऊपर जाती है, तो 4,000-5,000-10,000 रुपये का लॉस हो जाता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने इस तरीके से चीज़ें बनाई कि नहीं यार, इतनी महंगी चीज़ इतने कम लेवरेज पे देने का मतलब ये है कि बंदे को एकदम से ही साफ कर देना। यानी कि कोई बंदा अगर अपना 10 या 15 हज़ार रुपये मार्केट में लेके आ रहा है, तो उसको साफ करके बिल्कुल उसको उसके पैसे एक ही दिन में पूरा खा के उसको भगा दो यहाँ से, कि भागो यार, तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इससे क्या हो रहा है, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है, आपके मेरे जैसे को प्रॉफिट नहीं हो रहा।
तो है क्या चीज़, क्योंकि जब आपको एक ये लेवरेज मिलेगा, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, अगर आज वो नीचे चली भी गई, आज मैं लॉस में हूँ भी, तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको छोड़ सकता हूँ, कुछ दिन मैं उसके लिए वेट करता हूँ, और इन फ्यूचर में जब भी उसका प्राइस सही आएगा तो मैं उसको बेचूंगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक हड़बड़ाहट नहीं होगी कि एकदम से प्राइस नीचे डाउन जा रहा है, एकदम से ऊपर अप जा रहा है। दूसरा देखिए दिक्कत क्या है, दूसरा ये रूल बनाना क्यों ज़रूरी भी था, क्योंकि देखिए इंट्राडे प्लेयर्स ना मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप लोग मुझसे हमेशा बात करते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग ही असली ट्रेडिंग है। आप कितने भी बड़े ट्रेडर से बात कर लीजिए, वो हमेशा यही कहेगा कि मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं दूसरों को सजेस्ट करता हूँ इंट्राडे करने के लिए, मगर मैं खुद इंट्राडे नहीं करता हूँ। रीज़न, आप लोग इंट्राडे करोगे तभी तो पैसा गवाओगे, और आप पैसा गवाओगे तभी तो पोजिशन वाले पैसा कमाएंगे सेफली। तो ये सत्य है देखिए मार्केट का, और इससे क्या है कि आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए क्या होता है ना, हम कैश के अंदर डील नहीं कर रहे हैं। अब कैश के अंदर हम डील नहीं कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो पैसा जो है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के कैश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा जो है वो कंपनी को मिलता है। अब कंपनी की ग्रोथ में वो काम आएगा, किसी कंपनी के शेयर्स हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो वो कंपनी की ग्रोथ पे हमें पैसा मिलता है। अब उस कंपनी को मान लीजिए बहुत सारे लोग उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिल रही है अपने आप को एक्सपेंड करने में। अब हो ही रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन देखिए अलग कंसेप्ट है, कैश बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, राइट। तो अब जो गवर्नमेंट है शायद वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं हम कैश में जो है डील करें, हम कैश के अंदर मतलब जाएं, ताकि कैश के अंदर क्योंकि हमारा रिस्क कम है, रिस्क हमारा कम है, कंपनीज़ को भी ग्रोथ मिलेगी जब हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सभी के अंदर, राइट। और लोगों को भी बेनिफिट होगा इसमें, और देखिए क्योंकि अगर इसी तरीके से लोगों को लॉस होता रहेगा तो सभी तो शेयर मार्केट से निकल जाएंगे। अब सब शेयर मार्केट से निकल जाएंगे तो फिर शेयर मार्केट करेगा कौन, क्योंकि एक बंदा अगर शेयर मार्केट में लॉस उठाता है तो वो 10 लोगों को बोलता है कि भाई शेयर मार्केट में मत घुसियो। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है ये रूल्स आए हैं। देखिए रूल्स एक और भी आया है कि पहले क्या होता था कि सेबी ने पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने कोई लॉट लिया हुआ है इंट्राडे का, ठीक है, तो उसका क्या होता था कि उसका जो सेटलमेंट होता था वो एंड ऑफ द डे होता था। यानी कि अगर मान लीजिए आपका आपका जो लॉट है वो मान लीजिए नेगेटिव में जा रहा है, आपने जो भी खरीदा है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो होता क्या था कि आपको एक्सचेंज वाले जो है वो आपको मैसेज ड्रॉप करते थे कि भाई आपकी जो अकाउंट है मतलब जो आपकी पोजिशन है वो नेगेटिव में जा रही है, तो आप फंड्स को ऐड कीजिए। तो क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है फंड्स को ऐड नहीं करते थे, तो उसकी जो स्क्वायर ऑफ पोजीशन थी वो एंड ऑफ द डे ही उसकी स्क्वायर ऑफ होती थी, राइट। उसकी स्क्वायर ऑफ होती थी क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कि मान लीजिए आपके पास जितना पैसा है उसका 50% ही आप जो है हो मतलब अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है वो रूल्स हैं, राइट। अब सेबी ने रूल एक ये भी निकाला है कि 5 बजे का उसने टाइम दिया है, राइट, 5 बजे का टाइम दिया है उसने स्पेशली जो आपका आप कह सकते हैं कि MCX सेगमेंट के अंदर, राइट। MCX सेगमेंट में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग MCX सेगमेंट में करते हैं। तो देखिए 5 बजे का उसने टाइम दिया है कि मान लीजिए आपने कोई मॉर्निंग में एक पोजीशन बनाई और वो नेगेटिव जा रही है, तो उसने 5 बजे का टाइम दिया कि 5 बजे ही आप पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, यानी कि सेटल कर देंगे, ना कि आप रात को 11 से 12 बजे करेंगे या 12 से 1 बजे जब भी टाइम होगा वो तब करेंगे। क्योंकि जिसके पास फंड्स नहीं है उसकी पोजीशन नेगेटिव जा रही है, तो आप उसकी पोजीशन को काट दीजिए 5 बजे, उसको और लॉस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा तो बैठा ही रहेगा बेवकूफ़ों की तरह कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा कि 5 बजे आप स्क्वेयर ऑफ कीजिए इस पोजीशन को, क्योंकि सर जितने भी ये ब्रोकरेज फर्म्स हैं ये तो चाहती ही हैं आपको लॉस हो, ये चाहती हैं कि आपको लॉस हो, राइट। क्योंकि इन कंपनी की खुद की अलग टीम होती है जो इन्वेस्टमेंट करती है, और इनके पास तो ऑलरेडी दिख भी रहा होता है इनको पूरा का पूरा कि लोगों ने किस तरफ ऑर्डर लगाया है, किस तरफ मार्केट जा सकती है, राइट। तो इसीलिए 5 बजे इन्होंने बोला कि 5 बजे स्क्वायर ऑफ करो पोजीशन को, ताकि एक मिनिमम अमाउंट उसका रहे कि हाँ भाई मुझे इतना लॉस हुआ उसके बाद मैं बाहर आ गया, राइट। और उसके बाद ताकि जो उसका बचा हुआ पैसा है वो भी नुकसान ना हो, क्योंकि बाद में मार्केट फिर से वोलेटाइल अगर हुई तो उसका बेचारे का पूरा पैसा भी वहाँ से उड़ जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है सेबी ने की है, राइट। और ऐसे काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं, मैं आपको बोलूँगा कभी भी इस तरह की न्यूज़ जो है वो आप यूट्यूब पे मत देखिए, आपको अगर किसी पे ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, किसी चैनल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तभी आप उसको सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है। अदरवाइज़ सर आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सेबी की वेबसाइट पे जाइए और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। आपको ये काफ़ी सारे रूल्स इसने आए हैं, गाइडलाइंस आई हैं, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी, राइट। तो
इस वीडियो में इतना ही, और इतना कोई घबराने की नीड नहीं है, MCX में अभी ये सब नहीं है क्योंकि MCX का कोई कैश सेगमेंट नहीं है। ये अगर आप सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ कैश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि लोग वहाँ पे छोड़ के कैश की तरफ मूव करें और कैश के अंदर पैसा लगाएं, यानी कि इक्विटी के स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाएं, राइट। तो अभी आपके लिए कोई ऐसा घबराने की नीड नहीं है MCX के लिए, क्योंकि MCX आप जानते हैं कि MCX के जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं उनका कोई भी कैश का अभी नहीं मार्केट में है, उनका कोई भी कैश का मतलब ऐसा नहीं मार्केट में है जिसको आप खरीद के छोड़ सकते हैं कि आज तेल का प्राइस जो है वो 4,000 है, फ्यूचर में वो 10,000 हो जाएगा, तो चलिए मैं आज इसके स्टॉक्स खरीद के डाल देता हूँ। अभी MCX के अंदर ऐसा नहीं है, राइट। तो जब होगा इन फ्यूचर तो बिल्कुल हम सोचेंगे इस बारे में, पर अभी ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की नीड नहीं है। आपको क्रूड के अंदर उतना ही लेवरेज मिलेगा, आपको M6 में भी उतना ही लेवरेज मिलेगा जितना आपका मिलता आया था, ऐसा भी कोई गाइडलाइंस इनकी नहीं आई है, राइट। आप खुद भी इस पर चेक कर सकते हैं कि अगर मैं देखिए आपको एक बार और लास्ट में दिखा दूँ, एक्स पर देखेंगे आप तो देखिए अभी यहाँ पर तो ये ईयर इशू जो है कब इशू हुए थे, रूल्स में भी देखेंगे अगर आपको रिसेंटली अगर मैं आपको दिखाऊँ 2004 में लास्ट रूल्स रेगुलेशन में देख लीजिए आप, तो लेवरेज का ये और अभी रिसेंटली ये नहीं आया है 2019 जैसे, ये देखिए जनरल ऑर्डर्स में आपको दिखाता हूँ 2015 में गाइडलाइंस देखिए, यहाँ से आप सारा पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ये मास्टर सर्कुलर्स जो आए हैं आपके इसके अंदर ये रिसेंटली अपडेट होते रहते हैं, और ये कोई अभी का सर्कुलर नहीं है, ये कोई अभी का सर्कुलर नहीं है। ये देखिए यहाँ सर्कुलर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सर्कुलर्स जो है दिख जाएंगे। देखिए कट ऑफ टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर मार्जिन टू बी कलेक्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक है, इस तरह से सारे रेगुलेशन आते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली ये कोई रेगुलेशन नहीं है, हो सकता है पर आपने क्योंकि कुछ बड़े लोगों की स्टेटमेंट आई थी तो उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा या ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया होगा, तो इसलिए मतलब ये मार्केट में न्यूज़ आ गई एकदम से, अदरवाइज़ लोगों को पता भी नहीं चलता। तो देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि कमोडिटी डिलीवरी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आर ट्रेडिंग बियॉन्ड 5 PM, है ना, तो ये आप देख सकते हैं मार्जिन उससे लेना ही पड़ेगा, उसके बाद नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं सारा, तो ऐसा कुछ घबराने की नीड नहीं है कमोडिटी के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं चैनल पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप जाइए वहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।